देखिए दोस्तों, कोफ्ता बनकर हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही लाजवाब लग रहा है दिखने में। मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही मस्त बना है। ग्रेवी भी हमारी बहुत गाढ़ी है, बहुत ही लाजवाब और मस्त बनी है, स्वादिष्ट। ये वही कोफ्ता है जो शादी ब्याह में बनता है, और वही कोफ्ता मैंने आपको बताया है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हमने घिया लिया है, एक हमने एक बड़ा टमाटर लिया है, चार बड़ी प्याज ली हैं, छह हरी मिर्ची भी ली हैं। मसालों में हमने एक चम्मच करीब पिसी हुई धनिया ली है, एक चम्मच करीब हल्दी ली है, एक चम्मच करीब लाल मिर्ची का पाउडर लिया है। हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी लिया है, एक चम्मच करीब नमक लिया है स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम सोडा लिया है हमने, एक कटोरी में दही भी ली है, एक कटोरी में तेल लिया है जो कि एक पाव करीब तेल है ये, एक चम्मच करीब कस्तूरी मेथी ली है, आधा चम्मच करीब जीरा लिया हमने। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। हमने जो घिया लिया था उसे इस तरीके से काट लेते हैं, दो टुकड़े कर लिए हमने। एक प्लेट लिया है हमने और एक कद्दूकस लिया है, इस तरीके से हमें घिसना है, बारीक बारीक करके निकलता रहेगा। देखिए दोस्तों, हमने अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है, इसको एक अच्छे से प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसमें जो पानी है उस पानी को निकालेंगे, जो हमने कद्दूकस करके रखा था उसमें से इस तरीके से करके पानी निकालना है। देखिए ऐसे से करके दबाना है, इस तरीके का हो जाएगा, खोलने में आपको इस तरीके का लगेगा। अगर आप इसका पानी नहीं निकालोगे तो आप जो पकौड़ी बनाओगे तो आपकी पूरी पतली पतली हो जाएगी, जिससे आपकी पकौड़ी भी सही नहीं बनेगी। इस तरीके से पूरा पानी निकालना है, जो कि अलग लगेगा देखने में, पूरा घिया इस तरीके का लगेगा देखने में। अब एक प्लेट में घिया को डाल देंगे। अब हम इसमें बेसन डालेंगे, तीन बड़े चम्मच करीब बेसन डालना है। अगर आपको लगता है कि आपका घिया ढीला हो रखा है तो टाइट करने के लिए थोड़ा बेसन और लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच करीब हम हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच करीब पिसी हुई धनिया डालेंगे, आधा चम्मच करीब लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी बहुत हमने हरी मिर्ची ली थी उसे भी डालना है, आधा चम्मच करीब हमने नमक डालेंगे इसमें, हमने जो सोडा लिया था वो सोडा इसमें मिक्स कर देना है। इसे इस तरीके से मिक्स करना है, पानी नहीं डालना है हमें, क्योंकि इसमें पहले से ही पानी रहता है, सिर्फ अच्छे से मसलना है। हमने अच्छी तरीके से इसको अच्छे से मसल लिया है, गैस हमने चालू कर दी है और कढ़ाई को हम गर्म होने देते हैं अच्छी तरीके से। कोई भी गहरी कढ़ाई ले सकते हो या फिर फ्राई पैन भी यूज कर सकते हो। अब जो हमने तेल लिया था रिफाइंड ऑयल, आप चाहो तो सरसों का तेल भी ले सकते हो। तेल हमारा गर्म हो चुका है, गोला बना बना के एक पकौड़ी की लोई डालेंगे, थोड़ा दूर दूर रखना है क्योंकि आपस में चिपके ना, एक एक करके हमने डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरीके से पकने देते हैं, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। लगभग 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, इसे पलटते हैं एक एक करके। देखिए कोई भी पकौड़ी हमारी आपस में चिपकी नहीं है, और कोफ्ते भी हमारे बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं आज। देखिए हमने अच्छी तरीके से इसको पलट दिया है। अब इसको लगभग 5 मिनट तक अच्छे से और पकाना है नॉर्मल गैस की आंच पे। गैस की आंच हमने नॉर्मल कर दी है, इसे अच्छे तरीके से पकने देंगे। बीच बीच में बस हमें इस तरीके से अच्छे से चलाना है। अब एक प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं, पकौड़ियों को, सारी पकौड़ी एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, तेल हमने इसमें से आधा निकाल लिया है और थोड़ा सा तेल रखा है जो कि हमने पकाने के लिए अपनी सब्जी, और जो हमने तड़का लगाने के लिए लिया था इसे सारा इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से लाल भी हो गया हमारा तड़का। अब जो हमने प्याज लिया था उसे बारीक करके हमने काट लिया है, प्याज को अच्छे से भूनना है जब तक प्याज अच्छे से बादामी कलर में ना हो जाए। हमारा बादामी रंग में हो चुका है, और जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था अब ये इसमें डालना है। मसाले को सिर्फ फ्राई करना है, और हमने ये भी मसाले लिए थे ये भी इसमें डालना है। फिर बहुत ही अच्छी तरीके से मसालों को पकाना है। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर हमने जो लिया था उसे बारीक करके काट लिया है, टमाटर को अच्छे से पिघल ले देंगे इसमें। इसमें हमें कोई पानी नहीं डालना है, इसे बस इसी अच्छी तरीके से पकाना है धीमी आंच पे। देखिए टमाटर हमारा अच्छी तरीके से इसमें पिघल चुका है। हमने जो दही ली थी दही को इसमें मिक्स कर देंगे, और नॉर्मल आंच में ही दही डालनी है, क्योंकि अगर आप तेज आंच में डालोगे तो दही फट जाएगी, जिससे बहुत ही बेकार स्वाद आएगा। स्वाद के अनुसार हम नमक भी डालेंगे इसमें। इसको हम ढक देंगे और गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे, तेज फ्लेम पे ही पकाना है। देखिए मसालों में अभी उबाल आ रखा है। देखिए दोस्तों मसालों में से तेल निकल रहा है, इसका मतलब होता है मसाला हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास करीब पानी डाल देंगे, पकौड़ी डाल देंगे, पकौड़ी को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों हमने पकौड़ियों को आपस में मिक्स कर दिया है आपस में। देखिए दोस्तों कोफ्ता बनकर हमारा तैयार हो चुका है। कोफ्ता हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही नरम लाजवाब बना है, आप इसको घर में जरूर ट्राई करना, आपको ये बहुत रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो मजे से कीजिए। थैंक यू।